अगर गरम गरम चाय के साथ मिक्स वेज पकौड़े मिल जाए ना तो मजा ही आ जाएगा और चाय का स्वाद भी कई गुना बढ़ जाएगा। तो चलिए मजेदार पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। एक मिक्सिंग बाउल में लेंगे धुले हुए लंबे पतले पतले कटे हुए दो मीडियम साइज के आलू। जैसे फिंगर चिप्स के लिए आलू कट करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही मैंने इन्हें कट कर लिया है। और आलूओं के साथ ही यहाँ पर मैं ले रही हूँ कुछ कटी हुई वेजिटेबल्स। ये तीन मीडियम साइज के प्याज हैं जिन्हें मैंने लंबा पतला काट लिया है, और ये लंबी पतली कटी हुई एक बड़े साइज की शिमला मिर्ची भी ली है, और थोड़ी सी फूलगोभी भी ली है। इसे भी कुछ इस तरह से मैंने लंबा पतला कट कर लिया है। और ये एक छोटी सी गाजर है, इसे भी मैंने बाकी की सब्जियों की तरह ही पतला पतला लंबाई में कट कर लिया है। सीजन के हिसाब से आप कोई भी गाजर ले सकते हैं, ऑरेंज या रेड। और अब देखिए यहाँ पर मैंने ली है 7 से 8 कली लहसुन की, 1 इंच अदरक और 3 से 4 हरी मिर्ची। इन सबको एक साथ ही ग्राइंड करके इनका पेस्ट बना लेना है, और फिर इस पेस्ट को सारी वेजिटेबल्स के साथ ऐड कर देना है। और साथ में इसमें ऐड करेंगे 10 से 15 कड़ी पत्ते, चाहे इन्हें काट कर ऐड कर लीजिए या साबुत ही कर दीजिए। कड़ी पत्तों का टेस्ट या फ्लेवर है ना पकौड़ों में बहुत ही बढ़िया आता है। और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1 कप बेसन। मिक्स करने के बाद अगर ज़रूरत लगेगी ना तो और बेसन ऐड कर सकते हैं। यूज़ करने से पहले ना बेसन को छानना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि इसमें जो भी कोई इम्प्यूरिटीज़ होंगी वो अलग हो जाएंगी। और साथ में इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लोर। इससे पकौड़े है ना एकदम कुरकुरे बनेंगे, मज़ेदार, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर ना कॉर्नफ्लोर की जगह आप राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा भी ले सकते हैं। तो अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन का टेस्ट है ना पकौड़ों में बहुत ही बढ़िया आता है, और ये डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। और अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच दरदरा किया हुआ साबुत धनिया, और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून ही अनारदाना पाउडर, और साथ में 1 टीस्पून नमक भी ऐड कर देंगे। पकौड़ों में नमक ना हल्का सा कम ही रखना चाहिए, क्योंकि ऊपर से चाट मसाला ऐड करने से बढ़िया सा स्वाद आता है। और अब इसमें 1 नींबू का रस भी ऐड करेंगे। नींबू का रस ज़रूर ऐड कीजिए, इससे पकौड़े जो है ना ऑयल कम एब्जॉर्ब करते हैं और पकौड़ों में स्वाद भी बहुत ही बढ़िया आता है। और अब इसमें 1/4 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर भी ऐड कर देंगे, और लास्ट में इसमें ऐड करेंगे क्रश की हुई थोड़ी सी कसूरी मेथी। और अब ना इन सारे इंग्रेडिएंट्स को ना पहले बिना पानी यूज़ किए हुए सूखा ही मिक्स कर लेना है, क्योंकि सब्जियों में काफ़ी मॉइस्चर होता है ना, तो इसलिए पहले इन्हें ऐसे ही मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद जितने पानी की ज़रूरत होगी ना उतना पानी ऐड कर लेंगे। हाथ से अच्छे से मसलते हुए प्रेस करते हुए मिक्स करना है, ताकि सब्जियों में जितना भी मॉइस्चर होगा उससे सब्जियों में और बेसन में बाइंडिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो और अच्छे से बाइंडिंग देने के लिए ना अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी ऐड करने जा रही हूँ, पर पानी ना एकदम से नहीं ऐड करना है, हाथ पर लेकर थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करते जाना है। तो मैंने यहाँ पर ना 1/4 कप पानी इसमें ऐड किया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद ना मुझे थोड़ा सा बेसन कम लग रहा है, यानी कि बाइंडिंग होने में थोड़ी सी कमी लग रही है, तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून बेसन और ऐड किया है। तो 1 कप बेसन मिक्स करने से पहले ऐड किया था मैंने इसमें, और 2 से 3 टेबलस्पून अभी किया है। तो 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालकर अच्छे से मिक्स भी कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मिक्सचर जो है ना अच्छे से जुड़ने लगा है, अच्छी बाइंडिंग आ गई है। इसका मतलब है कि मिक्सचर एकदम परफेक्ट है, पकौड़े फ्राई करने के लिए तैयार है मिक्सचर हमारा। तो मैंने इन्हें फ्राई करने के लिए ना यहाँ पर सरसों का तेल लिया है, तेल को अच्छे से गर्म भी कर लिया है। और एक बार अच्छे से गर्म करने के बाद ना फ्लेम को थोड़ा सा कम करके फिर मिक्सचर का थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर ऑयल में डालते जाना है। मेरा मतलब ये है कि जब हम मिक्सचर को ऑयल में डालें ना तो जो ऑयल है बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऑयल में जाते ही ये डार्क हो जाएंगे या फिर जल जाएंगे। तो ऑयल में जाने के बाद कुछ सेकंड्स एक साइड से फ्राई करने के बाद इनका साइड चेंज करते हुए इन्हें हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर बढ़िया से गोल्डन ब्राउन सा कलर आने तक फ्राई करना है। तो कुछ देर तक डीप फ्राई होने के बाद अब आप देख रहे हैं ना कि ये बढ़िया से कलर में आ गए हैं, अच्छे से पक भी गए हैं। तो इन्हें अब ऑयल में से निकाल कर पहले एक जाली पर रख लेंगे और फिर इन्हें एक प्लेट में रख देंगे बाद में। बहुत ही बढ़िया बने हैं ना पकौड़े, एकदम कुरकुरे लाजवाब। और अब इसी तरह से बाकी के बचे हुए मिक्सचर का भी थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेकर ऑयल में छोड़ते जाएंगे। ऑयल में छोड़ते समय जब मिक्सचर को हाथ में लेना है ना तो हाथ को ज़ोर से प्रेस नहीं करना, बस हाथों की उंगलियों से हल्का सा प्रेस करते हुए मिक्सचर को उठाएंगे और ऑयल में छोड़ते जाएंगे। ऐसा करने से पकौड़े ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे, खुले खुले बनेंगे, मोटे मोटे से नहीं बनेंगे, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे, एकदम कुरकुरे से।
और आपको देखने में ही लग रहे हैं ना कि पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो यहाँ पर सारे पकौड़े बनकर तैयार हैं, तो अब इनके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। चाट मसाले से पकौड़ों का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। तो अब ये हमारे मिक्स वेज पकौड़े हो गए हैं तैयार। इन्हें टमाटो सॉस या अपनी मनपसंद चटनी के साथ एंजॉय कीजिए।